एपिसोड नंबर 357 357। अयोध्या में 14 वर्षों की लंबी अवधि के बाद कुटुंबियों तथा अयोध्या वासियों से श्री राम के मिलन का अद्भुत दृश्य उपस्थित है। माता कौशल्या एकटक पुत्र को निहार रही हैं। मन में गर्वयुक्त सहज उत्कंठा घुमड़ रही है कि उनके इस कोमलतन पुत्र ने किस प्रकार रावण तथा अन्य भीमकाय राक्षसों को मारा होगा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता को संग लेकर जब उपस्थित जनसमुदाय महलों की ओर चला तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तोरण द्वारों और वंदनवारों से सजी अयोध्या नगरी में सर्वत्र मंगल छा गया। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मां परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। सनेह शील व्रत ने मा
सब बर नहीं अति प्रेमा देख नगर पास करी सकल सराहि प्रभु पद प्रीति पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागहु सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे इनकी कृपा धनुज रन मारे हे सब सखा सुनो मुनि मेरे भय समर सागर कह बेरे मम हित लागि जन्म इन्हारे भरत हुते मुनि अधिक पियारे सुनि प्रभु वचन मगर सब भये निमिष निमिष उपजत सुख नये कौसल्या के चरणनि पुनि तिन्ह नायौ मात आशीष दीन्हे हरषि तुम्हा प्रिय मम जिमि रघुनाथ सुमन दृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारी देख नगर नारी नर बृंद संवारे सब ही धरे सजी निज निज द्वारे बंदन वार पताका के तू सब ही बनाए मंगल हे पुराई नाना भाति सुमंगल साज हर्षि नगर निशान बहु बाजे जहां तह नारी निछावरी कर ही देही असीस हर्ष उर भर जे करही सुख गाना हे हा करही आरती हर के रघु कुल कमल विपिन दिन कर के पुर शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना हे हा नरक